विजिलेंस की कार्रवाई का सामना कर रहे गुरप्रीत सिंह कांगण नूं विदेश जाण तों रोक दिता गया। हालांकि यह घटना 11 जून की दसी जा रही है, पर सुर्खियों विच हुण आई है। गुरप्रीत सिंह कांगण कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार विच मंत्री रह चुके हैं। विजिलेंस ब्यूरो आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले विच गुरप्रीत सिंह कांगण खिलाफ जांच कर रही है। इन्हां कार्रवाइयां तो बचण लई कीते साबका मंत्री विदेश ना चला जावे, इस दे लई विजिलेंस ने पहलां तो ही LOC यानी लुकआउट सर्कूलर जारी कीता सी। इसे तहत साबका मंत्री दे विदेश जाण तो पहलां ही उसनूं हवाई अड्डे तो रोक दिता गया। गुरप्रीत सिंह कांगण 11 जून नूं कैनेडा जाण लई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुँचे हैं। जदों वह अपने डाकूमेंट दिखाउण लगे तो एयरपोर्ट तो ही उन्होंने वापस भेज दिता गया। विजिलेंस ने गुरप्रीत सिंह कांगण खिलाफ आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले में जांच शुरू की है। एक बार विजिलेंस के अधिकारी साबका मंत्री कांगण नूं तलब भी कर चुके हैं, जिस दौरान गुरप्रीत सिंह कांगण ने अधिकारियों की कारगुजारी से सवाल भी खड़े किए सन। गुरप्रीत सिंह कांगण अजिहे पहले साबका मंत्री नहीं हैं जिन्हां खिलाफ जांच की जा रही है। इस तो पहला पिछली सरकार विच रहे कई मंत्रियों नूं विजिलेंस की जांच लई बुला चुकी है। कई साबका मंत्री तो जेल भी कट रहे हैं। इस लिस्ट विच लुधियाणा तो कांग्रेस के साबका विधायक अते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार विच मंत्री रहे भारत भूषण आशू, साबका मंत्री साधु सिंह धर्मस्रोत, साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा फरीदकोट तो, साबका विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों ये भी जेल कट आए हैं। इन्हों तो इलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सलाहकार रह चुके भरतेंद्र सिंह चाल, कैप्टन संदीप संधु होरां नूं भी विजिलेंस तलब कर चुकी है। इन्हों नामों विच साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम आता है।